और ऐसा पानियाँ रखते हैं यहाँ पर, किसी को पानी के बीच में पानी की प्यास लगे तो मैं दो बॉटल लिया, अभी दो बॉटल लिया और मैं अभी तक वॉकिंग करा, अभी इंशाल्लाह अभी गाड़ी लेके जाऊंगा रूम पे। ये मेरी गाड़ी है, ये अभी गाड़ी लेके रूम पे जाऊंगा। डेली करना है यहाँ का ऑक्सीजन, अपने इंडिया के सर का ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए लिहाजा क्या है बोलते हूँ। अब ये दो पानी के बाटना, पहले भी एक दो है मेरे पास लेकिन ये दो एक्स्ट्रा ले लिया काम को आ जाते बोल के। इंशाल्लाह अभी रूम पे जाएंगे। ये है स्टार्ट, मैं ब्रेक दबा के प्रेस बटन करा तो ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट हो रही। पहले से वीडियो बना तो सोचा था लेकिन टाइम नहीं था, अब शाम हो जा रही ना यहाँ पर। यहाँ अभी देखो 5:38 हो रहे, इंडिया में करीब करीब 2.5 घंटे का फर्क, बोल तो 6:07:08:09 होते वहां पर। और भाई सब खैरियत ना। अभी गाड़ी स्टार्ट करा, मेनली सीट बेल्ट लगा लेना। प्रॉपरली कहे बोलते यहाँ सेफ्टी, गाड़ी जैसा निकलते है वैसा सीट बेल्ट जरूरी है यहाँ पर। अब सीट बेल्ट तो लगा लिया, अब गाड़ी मूव करेंगे इंशाल्लाह। अभी पार्किंग में है गाड़ी, अभी मैं क्या है अगर रिवर्स लेना है तो रिवर्स ले लिया, आर पे डाल दिया तो रिवर्स, ये आर है, आर पे रिवर्स, पी बोल तो पार्किंग। और ये अगर पार्किंग में मैं डाल दिया तो जैसा अपना हैंड ब्रेक रहता, ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है। और ये इसमें ड्राइविंग मोड कैसा है बोल तो स्पोर्ट्स मोड में, मतलब गाड़ी 200 की स्पीड पे भगा सकते हैं, नॉर्मल मोड पे रख के चला रहा हूँ मैं, इसी हो बोलते वो अलग सिस्टम रहता। यहाँ तकरीबन अलग अलग मोड्स है। और ये गाड़ी का ये टोयोटा हाईलैंडर है, ये गाड़ी का एक सिस्टम क्या है बोलते, ये देख रहे ना भाई, ये अपन ये लेंसर ऑन करके रखा मैं, गाड़ी अगर इंडिकेटर नहीं डाले इसके बिना अपन राइट को कट करें तो स्टेयरिंग एक बार मतलब ऐसा पकड़ लेती, लेफ्ट को खींचने की कोशिश करती राइट को जा रहे तो। और क्या है बोलते म्यूज़िक आता, मतलब ट्रेन ट्रेन मतलब देख लेना कि गाड़ी लेफ्ट को जा रही, मतलब अगर ये लाइन पे से वो लाइन पे अगर चेंज कर रहे तो अपन गाड़ी क्या है बोलते ये इंडिकेटर डालने बिना नहीं टर्न करना। और एक बात इसमें, और एक मोड क्या है इसमें फ्यूचर क्या दिया बोलते ये जैसा है, अगर स्पीड अपन चलो 100 की स्पीड लगा दिए, 100 की स्पीड में जाते खुद ये जो है ना ये प्लस या माइनस, मतलब ये जो है ना वो करके उसके बाद अपन ये मोड है ऑटोमेटिक अगर ऑन कर दिए समझ लो, गाड़ी ऑटोमेटिक चलती 100 की स्पीड चलते रहती, तुम कुछ करने एक्सीलेटर देने की जरूरत ही नहीं। और एक तुम अगर कुछ पानी पी रहे 10 सेकंड के लिए स्टेयरिंग भी ऑटोमेटिक उन्हें कंट्रोल कर लेती, ये गाड़ी की वो खासियत है। और इधर है सो मोड, ये तो अपने सिस्टम में रहते, ये म्यूजिक वे है और ये जैसे स्पीकर अपन जो बात करते। और इसमें सिस्टम में म्यूजिक सिस्टम में अब ब्लूटूथ पे है ना, अभी ये मेनो दबा दिया, मेनो दबाने बाद से ये ऑडियो को दबाया, ऑडियो को दबाई तो इसमें कनेक्टेड बोल के आ रहा ना, अभी ये देखो FM, अब ये ब्लूटूथ पे अगर मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लगा सकता है, लेकिन FM बोलते अपने इंडिया का लगाना है बोलते इंडिया का आ रहा, देखो ये है, अभी ये म्यूजिक ऑन हो गई, अभी ये अब साउंड बढ़ा रहना तो यहाँ ही रहा जैसा, ये खासियत है भाई ये गाड़ी की। तो ठीक है भाई, अभी मैं गाड़ी अभी जैसा है ठीक है, म्यूजिक बंद कर देंगे थोड़ी देर, अभी ये ब्लूटूथ में डाल दिया, म्यूजिक बंद कर दिया, अभी ये पार्किंग में है, अभी ये रिवर्स और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल जैसा आप न्यूट्रल में रखे कभी सिग्नल के पास अपने को न्यूट्रल करके रुका सकते, और ये डी है सो ड्राइविंग मोड,
जैसा डी में डालते हो अपने सामने जाती। अब जो ये बाजू के है, जो जैसे आपने स्पेशल घेर बोल के बोलते ना घाटा पे को रेती में अगर फंस गई गाड़ी, तो ये जो प्लस ये दिख रहा प्लस माइनस, इसमें भी अपन डाल के चला ले सकते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती अपने को। मेन क्या है, यहाँ आने वाले जो भी है ना, जो सऊदी को आने वाले जो भी ड्राइवर्स है, उनको मेन चीज़ ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी, मतलब ये चार चीज़ें का ख्याल करना। और एक बात, इसमें ख़ास बात क्या है बोल तो, सीट बेल्ट कंपलसरी और सेफ्टी अपने हिसाब से अपन गाड़ी देख के संभल के चला लेना। तो यहाँ सिंपल रहता है, यहाँ क्लच नहीं रहता, देखो क्लच नहीं, ओनली ब्रेक। और उसके बाद अभी मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ, यदि ये आर में डालते ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक ओपन हो जाता। अब ये कैमरा आएगा, बैक कैमरा, ये है मिरर पीछे का, तो मिरर में और बैक कैमरा देखते हुए अपन गाड़ी खींच लेना है। अपन देखो अपने को यह रोड़ा क्या है बोलते, राइट साइड, राइट साइड से अपने तरफ लेफ्ट साइड जाते, यहाँ क्या है राइट साइड जाना पड़ता। तो अभी यहाँ पार्किंग में रुकाया था मैं, कहीं बोलते हो जरा जॉगिंग करने के लिए। अभी देखो मैं न्यूट्रल रिवर्स से मैं क्या करा, डी में ड्राइविंग मोड में डाल दिया। अब ड्राइविंग मोड में डाल के ठीक है भाई, अभी गाने सुनेंगे एक को, ठीक है कोई बात नहीं, गाने तो सुनते रहते लेकिन बात करेंगे। अभी देखो ये जा रही गाड़ी, अभी मैं इशारा नहीं दिया, सो पहले अगर टर्न करा तो उसी उसी बस सेंसर बसता ना, तो मैं इंडिकेटर दे दिया, इंडिकेटर दे के अभी राइट को ले लिया। ये जा रही देखो अपन, मेरे रूम पे जा रहा हूँ मैं, ये रूम पे जा रहा हूँ। ये यहाँ का ये आसान रहता चला ना, लेकिन क्या है बोलते जरा मैं कैमरा उतना क्यों नहीं बता रहा बोलते, सऊदी के पुलिस वाले भाई अगर कैमरा मैं यू ये जैसा करते हो तो अगर देख लिया तो फाइन आता बोल के, वो हिसाब से मेरी सेफ्टी भी सोच लूँ भाई। तो ये अब यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये गाड़ी से जैसे अपने को वो क्या बोलते हैं, जैसे अपने स्लाब वही डालते पिलरा डालते वो हिसाब से चल रहा है। देखो ये अभी बिल्डिंग बन रहे, ये बिल्डिंग बन रहे, तो वो गाड़ी रुका के रोड पे रुका के परमिशन लेके डालते। तो ये है भाई यहाँ के रोड, ये पार्किंग है, ये मतलब जो गार्डन है, अभी मैं करके आया उधर से इधर आया। देखो अब यहाँ से मेरे को राइट को जाने का है, ये राइट को ले लिया मैं, अब राइट को चले जा रहा हूँ। अब वहाँ सिग्नल आ रहा, सिग्नल के पास भी आपको बतलाऊंगा सिग्नल के ना कैसा मतलब गाड़ी मूव करते है। अभी देखो मैं स्पीड, अब मेरी ये रोड क्या है बोलते हो, यह कैमरा नहीं है लेकिन फिर भी ये 60-70 की स्पीड, 80 की स्पीड है समझो, तो यहाँ है 60-70 जाना है। देखो मेरी कितनी है, अब 60-70 जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, क्यों बोलते ऑलरेडी सिग्नल गिर के है, तो वो हिसाब से देख संभल के चला लेना भाई। अपन अपनी सेफ्टी मेन है, यहाँ पर अगर कुछ भी हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और कुछ फाइन आ गया, तो जिम्मेदारी अपनी रहती, अपन ही सब उठाना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास सऊदी का लाइसेंस भी है और मैं 3 साल करके आए से हूँ, इसलिए मेरे को कोई बात का टेंशन नहीं है कि मतलब लाइसेंस रहा तो भी गाड़ी सही चलाना पड़ता, ऐसा नहीं कि। अब ये कैमरे के पास आया मैं, देखो कैमरा ओपन होगा, अभी मैं वहाँ सिग्नल के पास कैमरा रहता इसलिए मैं आपको फोन यहाँ रख दे तुम्हें 2 मिनट के लिए, बस अभी मैं सिग्नल पार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिग्नल के पास कैमरा रहता तो मैं फ़ोन बतलाया समझो, मेरे को टाइम गिर जाता। तो यहाँ का क्या है बोलते बंद करा, अभी मैं रूम से खरीद जा रहा हूँ। तो ये तो चीज़ बतलाना, और इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी के बारे में सिग्नल के बारे में नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह जो भी रहेगा के यहाँ के रूल क्या है, यहाँ बहुत से रूल नए नए लागू लागू हो
की तरफ जा रहे का रोड है, तो या मैं यहाँ से लेफ्ट को लेना पड़ता और सिग्नल करने से यहाँ से लेफ्ट को ले रहा हूँ मैं, यहाँ लेफ्ट को ले लेके अभी थोड़ी दूर गए तो मेरा रूम आता है, वहाँ पार्किंग में लगा के मेरे रूम पे जाऊँगा इंशाल्लाह। गाने तो चलते रहते, अभी अभी मैं पार्किंग में लगा दे रहा हूँ, ये मेरी पार्किंग है यहाँ मेरे रूम के सामने, बस यहाँ लगा दिया भाई। अभी नाइट का टाइम होगा, अंधेरा अंधेरा है, ठीक है लाइट डालूंगा। तो ठीक है, आप सबसे गुजारिश है एक ही है कि प्लीज़ मैं सपोर्ट करो, ये गाड़ी के बारे में तो सिग्नल के या गाड़ी चलाने के बारे में तो बतला दिया आपको, अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वीज़ा से रिलेटिव और क्या है बोलते हैं यहाँ के रूल्स के हिसाब से, अब PCC लागू होगा उसके बारे में, मतलब आप सभी को या सभी के लिए फायदे के लिए बनाऊंगा वीडियो, ऐसा नहीं है। और एक बात क्या है बोलते हैं यहाँ के जो बेहतरीन बेहतरीन सीन है, जो सीन्स है, जैसा यहाँ मैं समंदर के कॉर्निस के करीब हूँ मैं खबर में, तो वो एरिया का भी गया जब समंदर के किनारे, यहाँ का कैसा रहता सऊदी का माहौल, यहाँ के बीच कैसा रहते, फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल्स और जैसा वर्कर, हर चीज़ में आपको इंशाल्लाह मैं हर चीज़ अपडेट देते जाऊंगा आपको जो भी है। तो प्लीज़ आपसे मैं गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो भी दोस्त सामने जो भी है शेयर करो मेरे को, मेरे सपोर्ट करो, इंशाल्लाह मैं आपके फ़ायदे के लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, वीडियो बनाऊंगा जो यहाँ पर आने वाले है, यहाँ पर हैस वाले नहीं समझ नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाले भी है लेकिन सऊदी का माहौल कैसा रहता, मतलब गल्फ कंट्री के भाई जो भी है देख के भाई ऐसे यहाँ के आके नहीं दे सकते वो लोग, तो वो जो लोग नहीं देखने लोगों को वो चीज़ा मैं जहाँ पर भी जाऊँगा, अभी क्यों बोलते मैं अब पहले 3 साल रियाद में करके गया, अभी आके 2 महीने हो रहा, जैसा मैं फ्री होगा समझो, अभी यहाँ के रूल्स कैमरा लेके मैं कहाँ भी जाके वीडियो नहीं निकाल सकता, तो मैं परमिशन लेके वो जगह का वीडियो सब, अभी गार्डन के पास भी सब लोग थे, बहुत थे, इसलिए वीडियो में कम बनाया, तो मैं परमिशन लेके आप तक मैं हर वीडियो पहुँचाऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बात लाइक करो, कमेंट करो, अगर मेरे कुछ वीडियो में साउंड क्लैरिटी कुछ भी मिस्टेक है तो मेरे को मेरे कमेंट करो, आपके ग्रुप में शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। ये है नाइट की जर्नी है, अभी मैं नाइट को जा रहा हूँ, अभी ये खबर माल को जा रहा हूँ मैं अकेला हूँ बोल के निकाला वीडियो भाई आपके लिए, मतलब यह कि नाइट की कैसा सिटी कैसी रहती है आपको तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बतला रहा हूँ आपको, ये पूरा सिटी गाड़ी आ रहे देखो पूरे, इसको रखने का चांस नहीं है, ये एक माल है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग